पिछले दो तासिका में हमने संज्ञा और सर्वनाम इनके बारे में हमने जानकारी ली है। तो आज हम व्याकरण का ही भाग पढ़ेंगे, लेकिन जो विकारी शब्द का जो अगला अभेद है वह होगा विशेषण, तो उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। विशेषण पहले परिभाषा देखेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आदियों को जो हम नाम देते हैं उन्हें संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के जगह जो दूसरा शब्द आता है उसके लिए हम सर्वनाम बोलते हैं। तो विशेषण किसे बोलेंगे? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के जो भी गुण होंगे, दोष होंगे, उनकी अवस्था होगी, उसे हम बोलेंगे विशेषण। परिभाषा देखेंगे पहले। चलो लिखो, संज्ञा या संज्ञा या सर्वनाम के संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष संख्या मात्रा आदि बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे। जैसे कि सविता अच्छी गाती है। सविता अच्छी गाती है। तो हमारी परिभाषा क्या बताती है कि विशेषण क्या होगा? तो संज्ञा के बारे में गुण होगा, दोष होगा, संख्या होगी, मात्रा होगी, ये सारी जो बातें रहेगी वही होगा हमारा विशेषण। तो यहाँ पे संज्ञा सविता है। तो सविता के बारे में हमें जानकारी क्या मिलती है कि वो अच्छी गाती है। कैसी गाती है? तो वह अच्छी गाती है। तो अच्छी रहेगा हमारा विशेषण। अच्छी हमारा रहेगा यहाँ पे विशेषण। आगे लिखोगे दूसरा एक उदाहरण, आसमान नीला है। आसमान नीला है। यहाँ पे आसमान हमारा संज्ञा होगा। तो आसमान के बारे में हमें ज्यादा जानकारी क्या मिलती है कि वह कैसा है? वह नीला है। तो नीला वही होगा हमारा विशेषण, नीला। अब देखेंगे विशेषण के उपभेद। पहला रहेगा, पॉइंट करोगे यहाँ पे, विशेषण के भेद। पहला रहेगा गुणवाचक विशेषण। विशेषण तीसरा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण।
परिमाण वाचक विशेषण और लास्ट अंतिम रहेगा सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण विशेषण के भेद पहला रहेगा गुणवाचक विशेषण, दूसरा रहेगा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण और चौथा रहेगा सार्वनामिक विशेषण. अब हम गुणवाचक विशेषण के बारे में जानकारी लेंगे. गुणवाचक विशेषण इसकी परिभाषा देखेंगे. संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आदि बताने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं. वहां पे नीचे पॉइंट करते जाओगे यानी गुण दोष में किस प्रकार के शब्द आएंगे, रंग रूप में किस प्रकार के शब्द आएंगे इसकी जानकारी. पहला पॉइंट करोगे गुण दोष, यानी आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा. फिर गुण दोष डैश करके इसमें लिखोगे सच्चा सीधा दानी ईमानदार कायर कंजूस आदि. सच्चा सीधा दानी ईमानदार कायर कंजूस आदि. सेकंड पॉइंट रहेगा रंग रूप. रंग रूप रंग डैश रूप इसमें लिखोगे काला नीला पीला यानी जो भी रंग आएंगे सारे में काला नीला पीला. अब रूप देखेंगे गोरा सावला मैला मैला आदि. तीसरा रहेगा स्वाद. खट्टा नमकीन चटपटा मीठा तीखा. खट्टा नमकीन चटपटा मीठा तीखा. नेक्स्ट रहेगा स्पर्श. नरम ठंडा
garam, khurdara, khurdara. अगला रहेगा अवस्था युवा प्रौढ़ वृद्ध किशोर किशोर युवा वृद्ध प्रौढ़ किशोर आदि गंध नेक्स्ट रहेगा गंध सुगंधित खुशबूदार गंधहीन दुर्गंधयुक्त दुर्गंधयुक्त अगला रहेगा दशा इसमें लिखोगे गीला सूखा ताजा आदि गीला सूखा ताजा आदि नेक्स्ट आकार गोल नुकीला नुकीला सुडोल सुडोल छोटा लंबा अंतिम शब्द रहेगा समय नेक्स्ट होगा हमारा ये समय सुबह अगला पिछला दैनिक दैनिक आणि हर रोज आने वाला मासिक मासिक आणि महिने में एक बार वार्षिक साल में एक बार आदि तो ये सारे आपके रहेंगे गुणवाचक विशेषण अब गुणवाचक विशेषण का एक उदाहरण देखेंगे पुराने अखबार संभाल कर रखो संभाल कर रखो यहाँ पे हमारे पुराने अखबार संभाल कर रखो यहाँ पे अखबार संज्ञा रहेगी अखबार कैसे है तो पुराने है इसमें पुराने शब्द जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण यहाँ पे आपको रंग और रूप दशा इस तरह से कोई भी बात लिखनी नहीं होगी सिर्फ शब्द के नीचे आपको अंडरलाइन करना होगा और उसका भेद लिखना होगा दूसरा लिखोगे राधा सीधी सादी लड़की है राधा सीधी सादी लड़की है यह गुण है राधा का तो यह जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण तीन शब्द आपके लिए रहेंगे वीर
Subah. Dainik. Veer. Subah. Dainik. तो गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो संज्ञा या सर्वनाम के बारे में के गुण दोष रंग रूप आदि के बारे में हमें किसमें जानकारी मिलेगी। दूसरा हमारा जो भेद रहेगा विशेषण का वह होगा संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही पता चलता है किसमें संख्या के बारे में होगा। संख्यावाचक विशेषण ये दूसरा भेद है। इसके दो उपभेद होंगे बाद में। पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। लिखोगे पहली परिभाषा, जो विशेषण शब्द नहीं ठीक दस लिखोगी, दूसरा लिखोगी जिस विशेषण से, यानी ये आसान रहेगा दूसरा, जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध हो, संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण लिखोगे, मुझे चार भाई है, मुझे चार भाई है। यहाँ पे संख्या समझ में आता है इसलिए संख्या ये होगा। दूसरा लिखोगे, दो दर्जन केले चाहिए, दो दर्जन केले चाहिए। यहाँ पे दो आपका रहेगा संख्यावाचक। नेक्स्ट पॉइंट इसका ही रहेगा संख्यावाचक विशेषण के उपभेद। संख्यावाचक विशेषण के उपभेद पहला लिखोगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। फिर इसके बाद भी जानकारी लेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण इसकी परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का, निश्चित संख्या का बोध होता है, बोध होता है, जैसे दो चार दस इकतीस
te is Adi. इसका एक उदाहरण लिखोगे? मेरे घर में चार दरवाजे और 8 खिड़कियां हैं। यहाँ पर 4 यह संख्या है, निश्चित संख्या है, और 8 यह भी निश्चित संख्या है, इसलिए जाएगा निश्चित संख्या वाचक विशेषण। दो शब्द आपके लिए। So, 1000. So, 1000. अब दूसरा इसका उपभेद देखेंगे, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। दूसरा उपभेद रहेगा अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, केवल अनुमान लगाया जाता है। जैसे बहुत कुछ, असंख्य, अनेक, कई आदि। इसका उदाहरण देखेंगे। बाहर कुछ लोग खड़े हैं। इस वाक्य में हमें निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है, कुछ है, इसलिए यह शब्द जाएगा हमारा अनिश्चित। बाहर कुछ लोग खड़े हैं। दूसरा सेंटेंस, भारत में अनेक ऐतिहासिक ऐतिहासिक इमारतें हैं। इमारतें हैं
यहाँ पे अनेक शब्द जाएगा हमारा ऐच्छिक संख्यावाचक विशेषण. तीसरा भेद रहेगा विशेषण का. परिमाणवाचक विशेषण वाचक विशेषण. यहाँ पे परिमाण होगा, परिणाम अलग रहेगा, यहाँ पे परिणाम होगा परिमाण. लिखोगे जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा सर्वनाम के परिमाण ब्रैकेट में लिखो गया वजन तोल माप मात्रा ब्रैकेट कंप्लीट की जानकारी मिले उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं. इसमें क्या होगा, संख्या आएगी ही आएगी, साथ में मात्रा भी आएगी. जैसे कि दो यह हमारा संख्या होगा, लेकिन लीटर ग्राम उसके बाद किलो किलोमीटर ये सारे यहाँ पे हमारे रहेंगे परिमाणवाचक विशेषण. संख्या के साथ दूसरे शब्द आएंगे उसे ही हम बोलेंगे परिमाणवाचक विशेषण. लिखोगे जैसे किलो लीटर मीटर ग्राम आदि. अब उदाहरण देखेंगे इसका. देखोगे दिल्ली से देहरादून तक की दूरी दो सौ पचास किलोमीटर है. यहाँ पे हमारे यह शब्द जाएगा परिमाणवाचक विशेषण किलोमीटर. दूसरा उदाहरण देखो ये मुझे दो लीटर
दूध खरीदना है, दूध खरीदना है, मुझे 2 लीटर दूध खरीदना है। यहाँ पे लीटर यह परिमाण दर्शाता है, इसलिए यहाँ पे रेखांकित करोगे इस शब्द को। मुझे 2 लीटर दूध खरीदना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद। परिमाणवाचक विशेषण के उपभेद, पहला रहेगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। लिखोगे इसमें, इसमें माप तोल, माप तोल, मात्रा या परिमाण का, परिमाण का निश्चित बोध होता है, निश्चित बोध होता है। लिखोगे इसमें एक सेंटेंस, वही होगा सेम जो अभी परिमाण में हमने देखा था। यह केक, यह केक 1 किलो मैदा, 1 किलो मैदा, 250 ग्राम, 250 250 ग्राम चीनी से बना है, चीनी से बना है। इस वाक्य में आप किलो और ग्राम रेखांकित करोगे। दूसरा इसका उपभेद रहेगा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इसमें माप तोल, मात्रा या परिमाण का बोध नहीं होता, बोध नहीं होता है। जैसे थोड़ी बड़ी कुछ कम ज्यादा आदि, थोड़ी बड़ी कुछ कम ज्यादा आदि। सेंटेंस लिखोगे मुझे थोड़ी शक्कर चाहिए, मुझे
Sally. Shop chahiye. Yahan pe anishchit hai. Yahan pe thodi shabd rahega hamara anishchit. दूसरा एक सेंटेंस, कुछ तो खा लीजिए, कुछ तो खा लीजिए. यहाँ पे क्या खाना है, कितना खाना है, कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए कुछ ये शब्द हमारा जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण. अंतिम भेद रहेगा विशेषण का, सार्वनामिक विशेषण. सार्वनामिक विशेषण सार्वनामिक विशेषण. इसमें लिखोगे जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक, या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे इसके चार ही शब्द रहेंगे, यह, वह, ए, वे. उदाहरण देखेंगे, वह लड़का कविता पाठ करेगा, पाठ करेगा, वह लड़का कविता पाठ करेगा. इस वाक्य में क्या है, तो संज्ञा है यहाँ पे लड़का, संज्ञा यहाँ पे लड़का है, तो क्या होता है कि लड़का, यह जो शब्द है वो सर्वनाम से पहले आएगा, तो यहाँ पे सर्वनाम से पहले शब्द कौन सा है, वह है, इसलिए वह जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण. दूसरा सेंटेंस, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह शब्द जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण. तो यहाँ पे हमारा विशेषण पूरा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है. फिर से एक बार विशेषण, विशेषण आप किसे कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिलेगी, जैसे कि उनके रंग रूप के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, उसके मापतोल के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, दशा के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, तो उसे हम विशेषण बोलेंगे. विशेषण के भेद चार रहेंगे, पहला रहेगा हमारा गुणवाचक विशेषण, दूसरा रहेगा संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक फिर से दो उपभेद होंगे, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण. तीसरा होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण, इसके भी दो उपभेद रहेंगे,
अनिश्चित सॉरी निश्चित संख्यावाचक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण अब 14 रहेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण अब कुछ सेंटेंस आपके लिए लिखोगे रेखांकित विशेषणों के रेखांकित विशेषणों के प्रकार लिखिए प्रकार लिखिए पहला सेंटेंस अंधा सॉरी अंधा क्या चाहे अंधा क्या चाहे कॉमा सिर्फ दो आंखें सिर्फ दो आंखें दो शब्दों को रेखांकित करोगे दूसरा गोलियां गोलियां खट्टी मीठी थी खट्टी मीठी थी खट्टी मीठी अंडरलाइन तीसरा गौरा की गर्दन सुडोल थी गौरा की गर्दन सुडोल थी सुडोल अंडरलाइन करोगे अगला वाक्य मंत्री जी शाम पांच बजे आए पांच बजे आए पांच पे अंडरलाइन अगला वाक्य दीदी को कुछ पुस्तकें चाहिए दीदी को कुछ पुस्तकें चाहिए नेक्स्ट रहेगा कुछ अंडरलाइन करोगे नेक्स्ट वाक्य देखो वहां कोई आदमी खड़ा है आदमी खड़ा है नेक्स्ट बाहर ठंडी हवा के झोंके बाहर ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे ठंडी Next sentence. Prithvi bahut tej gati se ghumti hai.
तेज पे अंडरलाइन करोगे लास्ट दो सेंटेंस अभी तूफान से अमराई के कई पेड़ गिर गए कई पे अंडरलाइन लास्ट पत्र 17 जनवरी को लिखा गया था 17 अंडरलाइन करोगे तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है उसके बारे में फिर से जानकारी ले लेंगे विकारी शब्द इसकी चार भेद संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया यहाँ पे हमने संज्ञा के बारे में जानकारी ली है सर्वनाम के बारे में जानकारी ली है आज हमने विशेषण के बारे में जानकारी ली है विशेषण के उपभेद सॉरी विशेषण के भेद चार रहेंगे पहला रहेगा गुणवाचक विशेषण दूसरा रहेगा संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक के फिर से दो रहेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण तीसरा रहेगा परिमाणवाचक विशेषण इसके दो उपभेद रहेंगे निश्चित परिमाणवाचक अनिश्चित परिमाणवाचक और चौथा यहाँ पे रहेगा हमारा सार्वनामिक विशेषण सर्वनामिक विशेषण अगले तासिका में हम क्रिया के बारे में जानकारी देंगे अगले एक मिनट आएगा तब तक आप इसे लिख लो